देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। सीबीआई ने गुरुवार को वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआई बैंक से जुड़े 3,250 करोड़ रुपए ऋण के मामले में चार स्थानों पर छापेमारी की। इस पूरे मामले में चंदा कोचर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 2012 के मामले में सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के तुरंत बाद छापेमारी की और प्राथमिकी 31 मार्च 2018 को दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत थी। आपको बता दें चंदा कोचर के खिलाफ सीबीआई ने अब केस दर्ज किया है। कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। सीबीआई ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।